आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेखा जैन, जैन होम गार्डन से। आज मैं आपको बताऊंगी कि बरसात में पौधों की देखभाल कैसे करें। यदि आपने गर्मियों में पौधों में मल्चिंग की है पत्तियों से या कोई और चीज़ से, तो आप उस मल्चिंग को पौधों से हटा दीजिए, क्योंकि इससे फंगस अटैक होता है। अगर आपके पौधों में घास वीट कुछ भी लग गई हो आ गई हो तो उसे भी आप हटा सकते हैं। बरसात में यदि आपके बरसात में गमलों में पानी रखने नहीं रुकना चाहिए। यदि बरसात में आपके छेद में छेद रुक गए हैं तो उन्हें भी आपको गमले में चेक करना चाहिए, कहीं आपके गमलों में पानी छेद में पानी तो नहीं जमा हो रहा है जिससे आपका पानी निकल नहीं पा रहा है। यदि बरसात में आपके पेड़ बड़े हो गए हैं और झुक रहे हैं तो आप स्टिक का भी, ऐसे स्टिक है ना, इसको भी आप इसके ऐसे बांध सकते हैं। और बताते हैं आपको और क्या कर सकते हैं आप लोग। फंगस सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है, तो आपको फंगस के लिए फंगीसाइड का उपयोग करना है। हफ्ते में एक बार आपको फंगीसाइड का उपयोग करना है। सांप का फंगीसाइड ले सकते हैं, और भी फंगीसाइड आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड मिलाकर अपने पौधों में आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे आपको फंगस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और महीने में एक बार आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों में कोई भी कीट पतंग नहीं लगेंगे। और खाद की बात करें तो आप अपने पौधों में खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन किचन वेस्ट खाद आपको पौधों में नहीं देना है, क्योंकि वो सही तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाती है, वो इतनी पुरानी खाद नहीं हो पाती है। अगर आप गोबर की खाद भी दे रहे हैं तो गोबर की खाद 1 साल पुरानी होनी चाहिए, नहीं तो सबसे बेस्ट जो खाद होती है बरसात में वो वर्मी कंपोस होती है, उसे आपको देना चाहिए। और क्या बता, और इस तरह से आप अपनों पेड़ों की देख रेख कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी फंगीसाइड वगैरह नहीं लगेगा। यदि आपके पौधों में पत्तियाँ वगैरह थोड़ी सूख रही हैं, पत्तियाँ जैसे सूख जाती हैं, तो उनको भी आपको ऐसे इस तरह से पत्तियों को हटा देना चाहिए, जिससे नई ग्रोथ हो, क्योंकि बरसात का सीज़न पौधों की ग्रोथ का सीज़न होता है। तो आप इन पत्तियों को और जो ब्रांच आपकी सूख गई है उसको भी आपको रिमूव कर देना है, जिससे आपका आपकी पेड़ की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो इसे लाइक एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। जय जिनेंद्र।